अब हम सदिशों पर कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दो वर्ग युगल है आपके पास, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इन दोनों के मध्य कोण कितना हो ताकि इनका परिणामी रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाए। एक सवाल तो आपके पास नहीं है। दूसरा सवाल है, यदि पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर बराबर इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि परिणामी है, और यदि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर है, तब पी व आर वेक्टर के मध्य बनने वाला कौन थीटा होगा। सवाल का कहने का मतलब ये, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर है, तब पी वेक्टर व आर वेक्टर के मध्य बनने वाला कौन थीटा माने कब, जब पी बराबर क्यू बराबर आर है। फिर वो कहता है, यदि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर जीरो है, तब पी वेक्टर व आर वेक्टर के मध्य बनने वाला कौन थीटा टू है। इसके लिए भी ये वाली कंडीशन सेम है, तब थीटा वन और थीटा टू के मध्य क्या बताना है, संबंध कि थीटा वन थीटा टू के बराबर होगा, थीटा वन बराबर थीटा टू बाई टू, थीटा टू बराबर थीटा वन बाई टू, थीटा वन बराबर थीटा टू बाई थ्री। ये आपके पास में चार ऑप्शन इस तरह से अवेलेबल है, तो आपको सवाल का जवाब देना है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, सवाल क्या है हमारे पास। पहला सवाल में दो बले एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इनके मध्य कोण कितना होना चाहिए ताकि परिणामी का मान किसके बराबर हो जाए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। दूसरा सवाल है, गिवन है इसमें पी बराबर क्यू बराबर आर है, यदि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर है, तब पी व आर के मध्य बनने वाला कौन थीटा वन है। दूसरी कहानी इसमें कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर प्लस आर वेक्टर बराबर जीरो है, तब पी व आर वेक्टर के मध्य बनने वाला कौन थीटा टू है। तब आपको थीटा वन और थीटा टू के मध्य क्या बताना है, संबंध कि थीटा वन थीटा टू के बराबर होगा, थीटा वन बराबर थीटा टू बाय टू होगा, थीटा टू बराबर थीटा वन बाय टू होगा, कि थीटा वन बराबर थीटा टू बाय थ्री होगा। दोनों सवालों को पहले नोट कर लें, फिर खुद से सोल्यूशन बनाएं, इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ। देख रहे, अब पहले वाले सवाल का सोल्यूशन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले वाले सवाल में दो बल हैं, कोण का मान पूछा है, परिणामी गिवन है। ऐसी कंडीशन में पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाकर के सवाल का सॉल्यूशन बना पाएंगे आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा काम में आएगा, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो ए का मान एक्स प्लस वाई है, बी का मान क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंटू बेटा बोलो क्या चल रहा है कॉस थीटा बराबर आर, आर का मान बेटा बोलो कितना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सवाल का सोल्यूशन अब आपको बनाना है, तो देखिए बराबर ये वाली वैल्यू तो बराबर में चली गई है, क्यों ना सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। बहुत ही आसान था, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बोलो कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बेटा बोलो कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस बेटा बोलो कितना होगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर में बेटा बोलो क्या चल रहा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बराबर में अगर हम देखें अब आपका सॉल्यूशन अब आपको बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा बोलो कितना हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सवाल का सॉल्यूशन बनाना है प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में ये आपके चली रहा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया अभी मेरी कर रफ कर रहे हैं। तो देखें दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू इंटू बेटा बोलोगे तो वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू बेटा बोलोगे चल रहा है कॉस थीटा। तो ये इधर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर जाएंगे तो बेटा यहाँ पर बोलोगे बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कॉस थीटा।
तो cos थीटा बराबर माइनस ऑफ ऐसे आपको क्या करना है सॉल्यूशन बनाना, यानी कि अगर उससे थीटा पूछ दिया जाए तो बेटा वो क्या होगा cos इनवर्स ये हमारे पास में क्या आएगा सॉल्यूशन, आपको इस तरह से बनाना है, नोट करें पहले इसको। नेक्स्ट सवाल पे सॉल्यूशन बनाते हैं। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, पहली बात तो ये हमारे पास में गिवन है। सवाल अब आप पढ़ेंगे तो सवाल के अंदर लिखा रहा है, केस फर्स्ट बोल दो इसको, कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बराबर R वेक्टर है, तब P वेक्टर और R वेक्टर के बीच बनने वाला कोण थीटा वन। थोड़ा सा दिमाग लगाना थी, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बराबर R वेक्टर, जबकि P, Q और R तीनों की वैल्यू सेम है, तो इसका अगर मैं वेक्टर डायग्राम अगर बनाता हूँ तो इस तरह से बनना चाहिए P वेक्टर, और ज्ञान क्या बनना चाहिए Q वेक्टर, तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बराबर बेटा बोलो क्या बनेगा R वेक्टर। सवाल के अनुसार तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है कि हर एक साइड सेम है, हर एक साइड अगर सेम अगर होती है तो हर कॉर्नर पर बनने वाला कोण का मान 60 डिग्री ही होता है, तो पहली बात तो हमें ये पता है। अब सवाल में क्या बोला है कि P और R के बीच बनने वाला कोण थीटा वन है, तो कोण किसके बीच का दिया जाता है, टेल टेल या हेड हेड के बीच का, तो आपका दिमाग अब चलना चाहिए कि P और R P का यहाँ टेल है, R का यहाँ टेल है, क्या टेल टेल के बीच का ये एंगल गिवन है, बिल्कुल, यानी कि अगर 60 डिग्री अगर है तो इसका मतलब थीटा वन इक्वल टू कितना है 60 है, ऐसे सोचना आपको आना चाहिए तभी आप सवाल सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद सवाल के जवाब में दूसरा केस पढ़ा तो दूसरे केस में क्या लिखा रहा है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर जीरो, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर जीरो है, तो सवाल के अंदर वो क्या बोला है कि पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच बनने वाला कोण कितना है थीटा, ये हमारे पास में गिवन है। तो सबसे पहले तो वेक्टर डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो आपने पहले वाले पे ध्यान दिया, आपने कहा भाई पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर अगर होता है तो मैं कैसे बनाता, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर। अब अगर मैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर को बराबर जीरो अगर करता हूँ तो इसका मतलब बोलो क्या होना चाहिए कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर क्या है माइनस आर वेक्टर है, माइनस आर वेक्टर किस तरह से बनेगा आर वेक्टर का उल्टा, तो आर वेक्टर बोलो मैंने जिसे बनाया था ऐसे, तो माइनस आर वेक्टर जिसे बनेगा इधर की तरफ, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए यहाँ, तो बेटा ये बोलो कितना होगा पी वेक्टर, ये क्या होगा क्यू वेक्टर, अगर मैं आर वेक्टर ये इस तरह से अगर बना देता हूँ पहले वाले की तरह तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर हो जाएगा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर जीरो, इसका मतलब पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए माइनस आर वेक्टर, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपोजिट, ऐसे सोचे हम, तो P वेक्टर जब Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर बना बोलो क्या हो गया जीरो, तो सवाल के अनुसार P और R के बीच बनने वाला एंगल कितना है थीटा टू, ये थीटा टू। अब इस थीटा टू की वैल्यू को क्या हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी यह कंडीशन अप्लाई है कि तीनों की तीनों साइड सेम, यानी कि यहां पर भी 60 है, यहां पर भी 60 है, यहां पर भी 60। एक बात आप मुझे बताएं, क्या ये वाला जो मैंने थीटा टू लिखा है पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, क्या ये एक्चुअल में थीटा टू होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी वेक्टर का टेल है और यहाँ पर आर वेक्टर का हेड है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको याद अगर आ रहा हो तो ये एक्चुअल थीटा टू नहीं लिखा जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि मैंने पहले लिखा था ये टेल ये हेड, ऐसी स्थिति में याद आना चाहिए, इसको पकड़ के आगे की ओर खींचे, ये वाला एंगल मेरे काम का जिसको मैं बोलूंगा थीटा टू, तो ये वाला एंगल बेटा बोलो कितना है 60, क्योंकि तीनों की तीनों साइड क्या है सेम, तीनों की तीनों साइड सेम, तो 60 ये पूरा 180, तो थीटा टू का मान बेटा बोलो क्या लिखोगे 180 माइनस 60
आंसर बेटा बोलो कितना आएगा 120। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, इसको पकड़ के आगे की ओर खींचा तो ये वाला कोण बेटा बोलो कितना आएगा 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120। तो थीटा 2 का मान 120, थीटा 1 का मान 60, इसका मतलब तो यही होता है कि थीटा 1 थीटा 2 का ऐसे करना है। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, तीनों की तीनों वैल्यू सेम थी, पी प्लस क्यू बराबर आर था, तो पी और आर के मध्य कौन थीटा 1 था, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर ऐसे बनता है। इसमें दोनों के टेल का बीच का कोण अपने आप ही 60 आ गया, तो थीटा 1 क्या लिख गया 60। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर 0, इसको आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा माइनस आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर का उल्टा लिखना पड़ेगा। तो वही काम करा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, आर वेक्टर कैसे लिखते थे इसका, इसका यह लिखा उल्टा, तो अपने आप इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। उसकी सहायता से आपने देखा कि यहाँ पर पी का टेल है, आर का हेड है, एंगल हमेशा इसके बीच का लिखा जाएगा टेल और टेल के बीच का, तो इस आर वेक्टर को पकड़ के आगे की ओर एक्सटेंड करा, पी का टेल आ गया, टेल आ गया, दोनों जाना मिलने का मतलब 120, तो थीटा 1 किसके बराबर है थीटा 2 बाय 2। नोट करें और थोड़ा सोच, नेक्स्ट वेरिएबल है मेरे पास जिसमें दो फोर्स हैं, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन। 3 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री पर है, 4 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर है, तो आपको ज्ञात करना है परिणामी बल का परिमाण, यानी कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन से मिलने वाला जो परिणाम है उसका परिमाण, और आपको बताना है परिणामी बल का एक्स अक्ष के साथ बनाया ज्ञात कोण। तो आप इसको नोट करें और खुद से इसको सॉल्व करें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँ। सोल्यूशन बनाया आप लोगों ने, देखें सॉल्व में हमारे पास में 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो अगर मुझे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का अगर परिणामी अगर चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरे पास में इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए कोण, तो कोण का मान अगर मुझे परिणाम करना है तो हम लोग देखें कैसे करेंगे। हमें एक चीज बताए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 120 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 120 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 180 डिग्री, तो 180 में भी 120 अगर जाएंगे तो बेटा यहाँ पर बोलो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि यहाँ का कोण हमें पता लग गया 60। अगर ये 60 है और अगर ये 30 है और अगर ये पूरा दिखता 180, तो क्या 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच का कोण बता सकते हैं आप? बिल्कुल बेटा बोलो कितना आएगा नंबर। बहुत ही आसान तरीके से देखो, हम लोगों ने बताया हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 120 है और ये पूरा अगर 180 है, तो 180 में से 120 अगर जाएंगे तो 60 ही बचता है। ये 60 है, ये 30 है, तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बेटा बीच एंगल बोलो कितना आएगा, 180 में से 60 और 30 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 3 न्यूटन 4 न्यूटन के बीच का कोण बेटा बोलो कितना है 90 डिग्री, तो क्या हम इसका परिणाम ही बता सकते हैं? बिल्कुल। फॉर्मूला बेटा बोलो कौन सा काम में लेंगे, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बेटा बोलो कौन सा होता है आर बराबर, फॉर्मूला आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या इसमें थीटा इक्वल टू 90 है? बिल्कुल। ए का बेटा रोल बोलो कौन निभा रहा है, ए का रोल बेटा बोलो कौन निभा रहा है 3 न्यूटन, बी का रोल बेटा बोलो कौन निभा रहा है 4 न्यूटन, तो ए की जगह तो बेटा बोलो क्या लिख दोगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos 90, cos 90 से बेटा बोलो कितना मिलेगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 9 16 से 25, यानी कि रूट 25, रूट 25 यानी कि 5, यानी कि बेटा आर का मान बोलो कितना आएगा 5 मीटर, यानी कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन से मिलने वाला जो परिणाम है उसका मान 5 मीटर, तो 5 मीटर का आएगा यहाँ से एक बात, यानी कि आर का मान बेटा बोलो अभी भी आप लोगों ने निकाला कितना है आपके पास 5 मीटर। अब हमें ये बताना है कि जो परिणामी आया है इसमें x एक्सिस के साथ कितना कोण बना है, तो आपने कहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो कोण पता है 30, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का पता नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा सकते हैं कि 4 न्यूटन बी का रोल निभा रहा है और ये मेरे पास में r बराबर 5 न्यूटन है, तो क्या इस b और इस परिणामी के बीच का मैं कोण मान सकता हूँ? बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये कोण बेटा बोलो कितना मान दो आप बीटा मान दो, तो याद करो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि b और परिणामी के बीच अगर एंगल बीटा है तो फॉर्मूला बेटा बोलो बीटा के लिए टेन बीटा बराबर बेटा बोलो क्या लिख दो, याद करो a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, याद आ रहा है कुछ इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, a का बेटा बोलो कौन रोल निभा रहा है 3, sin थीटा थीटा बोलो 90, वैल्यूज पुट कर रहे हैं
जिनका रोल बेटा वो लोग निभा रहे हैं, 4 3 cos 90, cos 90 के बेटा वैल्यू बोलो 0, ये बताओ बेटा 10 बीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, 10 बीटा बराबर बोलो कितना है 3/4, 10 बीटा बराबर 3/4 अगर है तो याद करो बीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी 37 डिग्री, यानी कि बेटा बीटा की वैल्यू बोलो किसके बराबर आई 37 डिग्री। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan बीटा बराबर बोलो a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, tan अल्फा अगर होता तो क्या लिखते b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, लेकिन मेरे पास में tan बीटा निकालना है तो बेटा बीटा की वैल्यू बोलो 37 डिग्री, तो बेटा बीटा की वैल्यू होगा 37 डिग्री है, कितना है 37 डिग्री अगर मेरे पास में रहे तो क्या मैं रिजल्टेंट और x एक्सिस के बीच कोण बता सकता हूँ, बिल्कुल, परिणामी बल का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण बोलो कितना लिखोगे बेटा, बोलो यही लिख देते हैं बीटा प्लस 30 डिग्री, 35 प्लस बेटा बोलो कितना आएगा 30 डिग्री, बोलो कितना आएगा ये 67 डिग्री, यानी बनाया गया कोण बोलो कितना बनेगा हमारे पास 67 डिग्री। ध्यान रखें तो अब कर देते हैं उसके तरह से नोट करें, परिणामी बल का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा प्लस कितना हो जाएगा 30 कितना होता है 67। नोट करें, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, नोट करें इसको, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास ए सदिश व बी सदिश, न्यूमेरिकल है हमारे पास ए सदिश व बी सदिश का परिणामी सदिश, ए सदिश के बोलो ए सदिश और बी सदिश का परिणामी सदिश, ए सदिश के लंबवत है, तब आपको बताना है ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये मैं बता सवाल करके लिखा, मतलब ये ए वेक्टर बी वेक्टर होते हैं मेरे पास, उनका जो रिजल्टेंट यानी जो परिणामी आता है यदि वह एक ही लंबवत है तब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या बताना है कोण, थोड़ा सा विचार करें और मुझे जवाब देंगे, पहले सवाल को नोट करें और खुद से सोल्यूशन बनाएं, सोल्यूशन बनाएं, देखिए सवाल के अनुसार ए व बी का परिणामी ए के लंबवत, यानी कि कहानी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर बी होना चाहिए और ये आर कुछ इस तरह से होना चाहिए, ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि सवाल के अनुसार जो परिणामी है ए के लंबवत है, ए टेल या आर का टेल, इन दोनों के बीच में बड़ा कोण बोलो कितना होना चाहिए 90, इसीलिए इस तरह का आप लोगों ने क्या बनाया सदिश बनाया, इसमें देखो तो आपका दिखा था ए और आर एक दूसरे के लंबवत है, यानी ये बनने वाला कोण कितना है 90 डिग्री, तो आपने कहा था जब मैं स्टडी करता था तो मेरी बात समझ में आती थी कि ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का अगर एंगल अल्फा होता था, अल्फा होता था तो मैं ऐसे पढ़ता था कि टेन अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, कुछ समझना है टेन अल्फा बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का याद करो एंगल अल्फा लिखते थे तो फॉर्मूला के लिखते थे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ से अगर आप देखें तो ये अल्फा है, अल्फा अल्फा का मान बेटा यहाँ पर बोलो किसके बराबर है 90 के बराबर है, साथ साथ दिखा दे रहा है ए और आर के बीच में एंगल कितना है 90, तो अगर मैं टेन अल्फा की जगह टेन 90 अगर लिखता हूँ और इसकी वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर है तो टेन 90 बेटा बोलो कितना होता है अनंत, यानी कि 1/0, 1/0 यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा की बेटा वैल्यू बोलो किसके बराबर होनी चाहिए 0 के, यानी कि a प्लस बी कोस थीटा अगर 0 है तो इसको क्या लेकर के आओ तो b कोस थीटा बराबर बेटा बोलो क्या हो जाएगा माइनस a, तो कोस थीटा बराबर बेटा बोलो क्या है माइनस a बाय b, यानी कि जब भी परिणामी a और b का a के लंबवत होगा ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे सवालों को सोल्व करने में आपकी मदद करेगा, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करा है जैसा उसने बोला वैसे वैसे डायग्राम बनाए, सवाल में ए और आर एक दूसरे के लंबवत है तो सबने कहा कि ए और आर के बीच का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है कि अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसमें अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 90,
सेकेंड एंटी क्या होता है, इन्फाइनाइट वन बाय जीरो, यानी कि वन बाय जीरो अगर है तो जीरो बराबर क्या होना चाहिए, प्लस ए कोस थीटा, इसके साथ में से कोस थीटा ये बेटा वैल्यू बोलो इसके बराबर माइनस ए बाय बी, यानी कि जब भी ए बाय बी वेक्टर का परिणाम ए के परपेंडिकुलर होगा, इतना सब कुछ अब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है कोस थीटा ये बेटा वैल्यू बोलो इसके बराबर होगी माइनस ए बाय बी के, इसको नोट करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए दो सवाल और करते हैं। दो बल है जिनका परिमाण का योग हमारे पास में 8 न्यूटन है और जो परिणामी है उसका मान हमारे पास में 4 न्यूटन है। यदि परिणामी छोटे बल के क्या हो जाता है लंबवत, तो दोनों बलों का परिमाण आपको बताना है। सवाल में आपको दोबारा बता देता हूं, दो बल है जिनका परिमाण का योग 8 न्यूटन है और परिणामी का मान हमारे पास 4 न्यूटन है। सवाल के अनुसार यदि छोटे बल के लंबवत परिणामी अगर हो जाए तो आपको दोनों बल को क्या बताना है परिमाण, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, P व दो सदिश है जिनका परिणामी R वेक्टर, यदि क्योंकि मान को अगर आप दुगना कर दें तो नया परिणामी P वेक्टर के लंबवत हो जाता है, तब इस R का मान आपको बताना है जो आपके पास में शुरुआत में दिया है। चार ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है, सबसे पहले इनको नोट करें, खुद से सवाल का सोल्यूशन बनाए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ। स्टार्ट किया जाए, देख सबसे पहले आपने सवाल को पढ़ा, आपने कहा दो बल है, दो बल कौन से माने थे ए और बी, तो ए और बी का योग आठ के बराबर है, जैसे सवाल में बोला बिल्कुल वैसे वैसे नोट किया है। परिणामी का बेटा मान बोलो कितना है, चार न्यूटन, यानी कि आर बराबर कितना है, चार न्यूटन, तथा परिणामी छोटे बल के लंबवत, छोटा बल के मान लेते ए, तो मैंने आपको इससे पहले जो सवाल करा है उसको अगर आप पढ़े तो उसमें कंसेप्ट आपके पास में था कि जब परिणामी ए के लंबवत होता है तो कॉस थीटा बराबर माइनस ए बाय बी के बराबर होता है। इससे जस्ट पहले मैंने भी आपको सवाल करा है, उस सवाल का यूज है इसमें। तो देखो सवाल में लिखा रहा है परिणामी छोटे बल का लंबवत है, तो याद आ रहा है जो भी मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास में ए वेक्टर इस तरह से है, बी वेक्टर इस तरह से है, तो आर वेक्टर जो होता है वो आर के क्या आता है, लंबवत, आर के लंबवत आता है, तो याद आ रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले सवाल से पहले मैंने आपको जवाब बताया था कि कॉस थीटा बराबर बोलो किसके बराबर होता है, माइनस ए बाय बी के, जब ए के आर लंबवत होता है तो कॉस थीटा बराबर क्या है, माइनस ए बाय बी। तो आपने कहा जब इस तरह से कहानी बनती है, ए प्लस बी बराबर आठ है, आर बराबर चार है, कॉस थीटा बराबर अगर माइनस ए बाय बी है, तो हमने तो ये पढ़ा है कि दो बलों का परिणामी, हमने तो ये पढ़ा है दो बलों का परिणामी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो प्लस टू ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। परिणामी का मान बेटा बोलो कितना है, चार है, ए और बी का पता नहीं है, तो आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आपने कहा भी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ए बाय बी के बराबर है, तो बेटा वैल्यू बोलो आप लोगों ने क्या लिखी, माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाय बी अगर आप लिखते हैं तो बी से बी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल अगर हो जाएगा तो इस सवाल का सोल्यूशन यहाँ पर बना रहा हूँ, इससे पहले इसको रफ कर देते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए सवाल का सोल्यूशन बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे, बराबर बेटा बोलो क्या हो रहा है, चार, चार बराबर बोलो क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कैंसिल माइनस टू ए स्क्वायर, तो आप लेना स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर या लेकिन माइनस बी स्क्वायर बराबर दोनों तरफ से कर दो रूट कर दो, ए रूट स्क्वायर कर देंगे तो फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोलो, ए प्लस बी की बताओ एल इसके बराबर है, ए प्लस बी की बताओ बोलिए इसका इक्वेशन फर्स्ट कर दो, बाय इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ए प्लस बी की बताओ बोला बोलिए कितने लेके आठ, आपकी कितनी बार जाए दो बार, दो तो इक्वेशन वन और टू सॉल्यूशन बनाए, इक्वेशन वन और टू का यूज करेंगे, वन की वैल्यू प्लस बी बराबर एट, इसकी वैल्यू माइनस ए प्लस बी लिख दो, क्या कर देंगे एड, एड अगर करेंगे
ये तो क्या हो जाएगा, टेन से आठ और दो दस, इसकी सहायता से बी का मान बोलो कितना आया, पाँच न्यूटन, कितना आया पाँच न्यूटन। इसी तरह से अगर हम चाहें तो ए का मान बता सकते हैं, यानी कि पाई इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के अंदर मान पुट कर देंगे, इक्वेशन वन कितनी है ए प्लस बी बराबर आठ, तो बी का मान कितना लिख देंगे पाँच या आठ, ए बराबर बेटा बोलो कितना आ जाएगा आठ माइनस पाँच, तो ए का मान कितना आ जाएगा तीन न्यूटन। तो इसमें इस कंसेप्ट का यूज करा है कि जब ए के लंबवत आर होता है तो cos थीटा बराबर किसके होता है, माइनस ए बाई बी के। इस तरह से आपको सॉल्यूशन बनाना है, नोट करें। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बनाते हैं, देखें सवाल क्या था। p वेक्टर और q वेक्टर का परिणामी r वेक्टर है, यदि मैं q के मान को दुगना कर दूं तो नया परिणामी p वेक्टर के लंबवत हो जाता है, तब आपको r का मान बताना। तो देखें सबसे पहले तो P और Q का परिणामी क्या है, R है, तो आपने कहा भाई सबसे पहले तो फॉर्मूला अभी क्या बताया कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस टू पी क्यू cos थीटा होता है, सही है। अब आपने सवाल को पढ़ा तो सवाल के अंदर क्या लिखा रहा है कि यदि मैं Q को दुगना कर दूं, Q को दुगना कर दिया जाए तब नया वाला परिणामी आर एच मान लेते, तब नया वाला परिणामी पी वेक्टर के लंबवत हो जाता है। तो आपने कहा ये दोबारा लंबवत वाली कंडीशन आ गई, तो लंबवत वाली कंडीशन में तो कोस थीटा बराबर बोलो बेटा, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कोस थीटा बराबर माइनस ए बाय बी के बराबर होता है। तो आपने कहा भाई ए का रोल तो कौन निभा रहा है, पी निभा रहा है, बी का रोल को निभाएगा जब आप Q को क्या कर देंगे दुगना कर देंगे, यानी कि अभी स्थिति में cos थीटा में A का रोल P निभाएगा, B का रोल 2Q निभाएगा। क्यों निभाएगा, क्योंकि Q के मान को आप लोगों ने डबल करने के पश्चात ही P R के नए वाले R के क्या हुआ है लंबवत, तो नए वाले R के लंबवत अगर हुआ है तो A की वैल्यू बेटा बोलो P, B की बेटा वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे 2Q, ये किसके बराबर है cos थीटा के बराबर। तो अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं कह दूं वैल्यू पुट करें, ध्यान से अगर तुम देखे कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर बेटा बोलो क्या लिखोगे आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बेटा बोलो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो मैं दोबारा आपको सवाल का सोल्यूशन बताता हूँ। शुरुआत में पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है यानी कि परिणाम ही आ रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा का रूट करके आप लोगों ने लिख दिया। फिर आपने सवाल को पढ़ा, सवाल में क्या लिखा रहा है यदि मैं क्यू को दोगुना कर दूं तो नया वाला परिणाम आर डेज पी के लंबवत हो जाता है। तो आपने कहा भी ऐसे जब भी लंबवत होता है तो cos थीटा बराबर क्या आता है माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी में ए का रोल कौन निभा रहा है पी निभा रहा है, बी का रोल कौन निभाएगा जब आप क्यू को क्या कर देंगे डबल, तो बी का रोल टू क्यू, तो cos थीटा बराबर माइनस पी बाई टू क्यू, कुछ भी नहीं इसके बराबर पुट कर देंगे, सवाल का सोल्यूशन बना। अब हम स्टडी करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे फर्स्ट यदि दो सदिश एक दूसरे के समानांतर है यानी कि ए सदिश बी सदिश दोनों समानांतर सदिश है, तब बर्नौली कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो हम ये देखते हैं कि मिलने वाला जो परिणामी है उसका मान सबसे अधिकतम आपको प्राप्त होता है। तो थीटा बराबर 0 है तो अधिकतम मान किसके बराबर होगा a प्लस बी। इसी तरह यदि मैं कहूँ कि दोनों सदिश प्रति समानांतर यानी कि a सदिश b सदिश दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो मिलने वाला परिणामी का मान सबसे न्यूनतम प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय दोनों सदिशों के बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री है। तो मान कितना प्राप्त होता है a माइनस बी, a माइनस बी से मतलब ये है कि बड़े वाले बनने से क्या माइनस करना है छोटा वाला बल। तो इसके थ्रू हमारे पास में ये जानकारी प्राप्त हुई कि दो बल है मेरे पास तो उनका जो परिणामी होगा वो a प्लस बी से तो क्या होगा छोटा, लेकिन a माइनस बी से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये वाला रिजल्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह अगर मैं कहूं कि दोनों के दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो बनने वाला थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब आप फॉर्मूला r बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा में
थीटा इक्वल टू 90 रखते हैं तो रिजल्टेंट का मान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आता है वो ये है कि अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम कर दूं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसी तीसरी वैल्यू स्मॉल ए के बराबर है और ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा है, तो अगर आप फॉर्मूले की बात करें आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा की, तो उससे अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको समय ज्यादा लगता है। इससे अच्छा यह है कि हम इसका आंसर याद रखें कि जब ऐसी कंडीशन आपके पास में आए जिसमें दोनों का परिणामी सेम है, मान लेते किसी स्मॉल ए के बराबर है, तो परिणामी आपके पास निकल के आता है आर बराबर टू ए कॉस थीटा बाय टू। ये बिल्कुल वैसे है जब आप आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में ए बराबर क्या रख दें, बी रख दें और सोल्यूशन अगर बनाएंगे तो लास्ट में हमारे पास में आंसर आता है। तो इतना बड़ा सोल्यूशन बनाने से ज्यादा अच्छा है कि हम ध्यान रखेंगे कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर है तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है वो टू ए कॉस थीटा बाय टू के बराबर प्राप्त होता है। अगर हम चाहें तो इसमें तीन केस बना सकते हैं कि अगर दोनों वेक्टर ए और बी के बीच बनने का कोण अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट रूट थ्री प्राप्त होगा। अगर ये वाले रिजल्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी सवालों को सोल्व करने में। तो आपको ध्यान के रखना है कि अगर ए बराबर बी है, थीटा इक्वल टू 60 है तो रिजल्टेंट रूट थ्री आएगा, थीटा इक्वल टू 90 है तो आर बराबर रूट टू आएगा और थीटा इक्वल टू 120 है तो रिजल्टेंट ए के बराबर आएगा। तो ये वाला रिजल्टेंट और भी आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर a बराबर b है यानी कि दोनों अगर आपके पास सदिशों का मान अगर समान है और अगर इनको 120 डिग्री पर लगाया जाता है तो मिलने वाला परिणामी भी इनके ही समान आकर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे a b के मध्य कोण 120 तो मिलने वाला परिणामी भी a और b के क्या होगा, बराबर होगा, जो आपको ध्यान रखना है। अब इन सब बातों के लिए एक सवाल आपके पास में है कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो बल हैं, इनका सदिश योगफल का परिमाण किसके बराबर नहीं हो सकता। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हमें इस रिजल्ट का यूज करना है, इस वाले रिजल्ट का हमें यूज करना है कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन से मिलने वाला जो परिणामी है वो किसके बराबर नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि परिणामी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि a माइनस बी से तो क्या हो, बड़ा हो, और a प्लस बी से क्या हो, बराबर बड़ा हो। तो ध्यान से देखिए तो a का रोल को निभा देगा 10, तो 10 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 6, तो अगर आप इसका सॉल्यूशन अगर आप बनाए तो क्या होगा 4, ये मेरा बोलो क्या होगा 16, यानी कि 10 और 6 न्यूटन का परिणामी 4 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा और परिणामी 16 से क्या होगा, छोटा या फिर बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो कौन सा उत्तर हमारे पास होना चाहिए, 2 न्यूटन। परिणामी 10 और 6 का कभी भी 4 से कम संभव नहीं है, 4 से कम संभव नहीं है, तो 2, 4, 12 और 24 में कौन सा वाला जवाब होना चाहिए, 2 न्यूटन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक बात इसमें जो आपको याद रखनी है वो ये कि परिणामी a प्लस बी से छोटा होता है, a माइनस बी से बड़ा होता है और इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये वाला फॉर्मूला है कि a बराबर b अगर है तो मिलने वाला जो रिजल्ट है परिणामी है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, काफी सारी जगह काम में आएगा जब आप फिजिक्स में यूज लेंगे इनका। तो r इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2, इसमें भी ये वाला केस को ध्यान रखें कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री अगर है तो मिलने वाला परिणामी a के ही बराबर होता है। और ये सवाल है तो इसको नोट करें, बड़े में आएगा।